फिल्म केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 में अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर लोगों को दीवाना बना चुके कन्नड़ सुपरस्टार यश ने कल यानी 8 जनवरी को धूमधाम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। लेकिन उनके बर्थडे पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद यश ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर हर किसी का दिल बाग बाग हो जाएगा। यश के जन्मदिन के मौके पर उनके 3 फैंस की मौत हो गई और 3 फैंस घायल हो गए, जिसकी खबर जब यश को लगी तो अपनी बर्थडे पार्टी छोड़ मौके पर पहुंच गए और मरने वालों के परिवार वालों को ढांढस बंधाई। यश की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। फैंस के अंदर उनकी दीवानगी इस हद तक भरी है कि वे अपने चहेते सुपरस्टार यश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यही वजह है कि जब यश का बर्थडे था तो कर्नाटक के हुबली में उनके कुछ फैंस बिजली के खंभे पर चढ़कर उनका बड़ा सा बैनर लगा रहे थे, लेकिन करंट लगने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। जब इसकी खबर यश को मिली तो वह अपनी बर्थडे पार्टी में बिजी थे, लेकिन खबर सुनते ही वह सबको छोड़कर हुबली पहुंच गए। वहां पहुंचकर मृतकों के परिवार वालों से मिले और घायलों का भी हालचाल लिया। जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तब भी फैंस की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। काफी देर तक वह फैंस से घिरे रहे। थोड़ी देर बाद भीड़ कम होने पर वह मृतकों के परिवार से मिले। इसका वीडियो समाचार एजेंसी ANI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके फैंस की दीवानगी किस हद तक है कि जब वह वहां पहुंचे तब भी लोगों ने उन्हें घेर लिया। मृतकों की फैमिली से मिलने के बाद यश ने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की अनहोनी की उम्मीद नहीं थी। साथ ही उन्होंने अपने फैंस से यह अपील भी की कि उनके सबसे पहले अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होने की जरूरत है। यश ने यह भी कहा कि यही वजह है कि वह अपना जन्मदिन जल्दी नहीं मनाते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो यश आखिरी बार प्रशांत नील की फिल्म KGF चैप्टर 2 में दिखाई दिए थे। पहले पार्ट की तरफ यह पार्ट भी सुपरहिट साबित हुआ था और हर कोई यश की एक्टिंग की तारीफें कर रहा था। 2024 में उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अब उनके फैंस को उन्हें देखने के लिए 2025 का इंतजार करना पड़ेगा। 10 अप्रैल 2025 को उनकी फिल्म टॉक्सिक रिलीज होगी, जिसके टाइटल का अनाउंसमेंट कुछ दिनों पहले ही यश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किया था। बीते दिसंबर में एक वीडियो भी शेयर किया गया था जिसमें यश के किरदार की थोड़ी सी झलक दिखाई दी थी। इस फिल्म को कन्नड़ फिल्म डायरेक्टर गीतू मोहनदास डायरेक्ट करेंगे और खबर है कि इस फिल्म में अभिनेत्री करीना कपूर यश के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी। हालांकि अभी करीना के नाम की ऑफिशियल घोषणा मेकर्स की तरफ से नहीं की गई है।